चलिए बहुत कष्ट लगे चढ़ी हम तो पुणी शिव मंदिर तुलसी लगे एवं जदि आम लगोचु केमती लगोचु तार भी गोटे मंत्र अच्छी ना आप आनी कष्ट करें चढ़ मनईचा हेलो हाय नमस्कार जय जगन्नाथ बर्तमान देखु मो पक्षपटे कौन लिखाई विश्वनाथ मुंडिया आज एक्चुअली मुझे गोटे एमती जगह को आपको आनी भुवनेश्वर ठू 38 किलोमीटर दूर यहाँ आउ गोटे एमतीया परेश देखु पूरा शांत परेश देखु ये से मुंडियाटा हूँ विश्वनाथ मुंडिया तो मुझे आपण जी ये जगार कौन रहस्य अच्छी विषय आपको जनइबी आम देखा ये जगह के मानने आम को सहला भाया जगटा हो पहाड़ उपरू जी के सुविधा अच्छी कौन ना से विषय जाणी मो सांगर आज अच्छा से पुराणा बंधु मोर आलोक राउत नमस्कार आज आम आज पहुँचु भुवनेश्वर अनति दूर थी डेलांग आठ यार परेश अति शांत आनोरम चलतु आज बुले देखा विश्वनाथ मुंडिया आउ तापर भी आम इस बेस जानापे आम से पाख लोक मान का मोर बंधु जन अच्छे पाखे पिंकु भाई पिंकुआई अशोक मंगराज एक्चुअली आम घर ये विश्वनाथ मुंडिया तले भाई की मुझे विश्वनाथ पहाड़ विषय किसी जनईबी उपरकू गलापर आम विश्वनाथ विषय जानवा और विषय अनेक कि कह चल ब्लॉक आरंभ कराया आप देखिपे ये तार एंट्रान्स यहाँ अच्छे आठ गाड़ी उपरक जाऊनी ये मानते चलिक पड़ो बहुत पहाच ये केहाच अच्छी कौन ता विषय भी आप गले जनईबी क्या मुझे बेस किसी विषय जाणी तो जी देखी से आपको जनईबी तो चल जा विषय जाणी नना बुझा उपर नना अच्छे नना विशेषकर आम तो आपको अनेक शैवपीठ बुले सारू आज एक स्वतंत्र शैवपीठ को आम नहीं जाऊँ आपन को ये हूँ विश्वनाथ ठाकुर पीठ यहाँ ये देखिपे यहाँ हूँ युवा देखते ये सब लुहार तैयारी दीपर सैड लुहा आ मझे तो आम देखिए पूरा पहाज भाया केहाज अच्छे कौन पिंक के पहाज अच्छे यहाँ प्राय 250 खंडे पहाज तो ये आम बर्तमान 250 पहाच प्राय 250 पहाच चढ़ी चढ़ी आमको जीवा पड़ो मंदिर पहुँचापी आठ सबुदिन किसी अल्प बहुत श्रद्धा आसती आई शांत मनोरम परेशर भी मजा नि तो आपन को देखापी केतु आप देखिपे तो बर्तमान जी आपन को ब्लॉग टी भल लगे तेल लाइक सेयार सब्सक्राइब कर दिंतु तो पूरा आपन को यही देखते के कष्ट आम बहुत देख पखापाखि आम बर्तमान 200 मीटर उच्च भूमिपतन ठार प्राय 200 मीटर उच्च को जीवा आईठार ही मंदिर टी अवस्थित आम तो बर्तमान मात्र 50 टी खंड पहाच चढ़ी आम थकीगलु तथा आम पहुँचा पड़ो आपण मानक आम आम ब्लग्रे जहाँ भी हेल्ले शैव क्षेत्र टी देखू तो देखिपे सैड्रे भी देखते के बढ़िया दृश्य आप देखिपे बर्तमान देखिपे विश्वनाथ अल्प किसी दूर आम आस तो पहाड़ बहुत बाट अच्छी मंदिर टी तो मुझे तलर आपन को किसी दृश्य देखा देखूँ तलर गाँ अच्छी देखु डेलांग हाट गाँ यहाँ आप देखिपे के सुंदर परिवेश टी देखु देखिए देखु पूरा चलती भाई आमर सांगे जदि आप आसर पा बोतल टी निश्चय आने देखु आम भी नहीं कि आसचु कहीं एबिका जो सब सिचुएशन है लोक मैंने बेस चलू ना पर गले भी गाड़ी नहीं जावाक पड़ी
तो से भितर देखु एत बाट उठा तो ये कष्टर हो पड़ आम भाई देखा जाऊ आम आम लक्ष्य स्थल पहुँच पार कि ना आठ बस चढ़िया भी बस कष्ट कहीं ये पूरा मानते जी पहाच अच्छी सांग को आप प्लेन रास्ता भी अच्छे बहुत तो चलतु मुझे उपर गले आपठी देखी ये जगह देख हाँ देख पारे चलिए बहुत कष्ट लगे चढ़िया को तो पुणी चलचु आम आल्प किसी बाट अच्छे चार तो आप देखिपे व्यू के सुंदर व्यू आप देखा देखु ये जी आम देखा सब चाष जमी देखने जना पड़ो यार लोक मैंने केश्रमी आठ कौन जमी भी पड़िया देखा जा सब धान धान चाषे पूरा परिपूर्ण हो क्षेत्र गुड़िक आठी आमर भाई मैंने प्राय 300-400 फुट तले कौन कर जानी तो पारना आम यू सभी एपटे कौन कहे मोटोरी रेलवे स्टेशन अच्छी देखते आम बर्तमान 700 फुट ऊपर अच्छा आप देख पड़ते डेलांग पिपिली एरिया पूरा दृश्य आम पहुँची विश्वनाथ मंदिर विश्वनाथ देव मंदिर प्राय 700 फुट उच्च या चढ़ आसाप बहुत कष्ट लगी आम आगुरी कही आप जिते कष्ट भी आम जा पहुँचबू आपण को यार परिवेश यार महत्व विषय कहूँ आम तो मंदिर भितर प्रवेश करना तथा ये मंदिर परिसर ये रही यज्ञ कुंड जोटि विश्वशांति महाजज्ञ हुए माघ सप्तमी सात दिन व्यापी ये यज्ञ कराए एवं बहुत श्रद्धालुंकर समागम होता है हजार हजार श्रद्धालु आसती आउ शेष दिन जो दिन पूर्णाहुति दि जाए से 5-6 हजार लोक आसता अन्न प्रसाद सेवन करती जागर दिन तो यही पीठ से 15-20 हजार लोक आसी आसत आम जा मंदिर बुलवा तापर ठाकुर चलती प्रतिमा आसिले आम आप देखू आ मंदिर पाताल फुटा लिंग आम देखा एवं मंदिर महत्व विषय आम कि डाटा कलेक्शन कलु आठिकार पूजारी बुझा नमस्कार ओम नमः शिवाय आम तो देखिलु ये जो परंपरा केते कष्ट करी मैं 700 फुट उच्चता को सबुदिन सका ठाकुर को लेकिन आसवा पुणी सन्ध्या लेकिन जावा आपण ना प्रणव पंडा प्रणव पंडा ये सेवा आपड़ के आम पूर्व पुरुष एमती से लग रही आज्ञा एवं आमर वंशानुवंश चली रही तथा आपण कलाणु 7 वर्ष मुझे निजे कर आ ये जो आपण ये जो तथा तो बाधा प्रबल आज्ञा कष्ट प्रबल हेले भी से गोटे आनंद अच्छे निश्चित ठाकुर सेवारे आम सी चलती प्रतिमा अच्छा आम सेवक अच्छे आम को आनंद अच्छे कंठे जस्य लसात करल करल गंगा जल मस्तक बामांगे गिरिराज राज तनया जाया भवानी सती नंदी स्कंद गणाधिराज सहित श्री विश्वनाथ प्रभु काशी मंदिर संस्थित अखिल गुरु दयात सदा मंगलम संसार मंगल
स्वयं आविर्भूत यही विश्वनाथ पीठ बाबा विश्वनाथ जो आविर्भाव होती आम जो सेवा करमको अनेक आनंद अच्छे कष्ट अच्छी शरीर पीड़ा अच्छी किंतु अनेक आनंद आमको ठाकुर सेवा कर शरीर पीड़ा भी आपंकर दूर हो रोग वैराग शोक दुख ऐसा किसी आम धन सम्पत्ति ना सत कि ये सब शारीरिक पीड़ा ना मानसिक जंत्रणा ना आनंद अच्छे अनेक अच्छी प्रबल कष्ट शरीर सुस्थ तो ताठार धनी कहीं ना कथा अच्छी कथा तेणु आनी तो आपड़ी शरीर में आप रोग ना आप सब धन पर चिंता भी ना गोटे ओडिया अच्छी बाटर हगिले ना देवल तोलें ना आगे आप डिस्टर्ब कर आम सब जगह देखु कि सब जगह आप गोटे डोरी बंधा जा सब मंदिर डोरी ये से डोरी ना ये बोलते अलग कौन से जिनसा बोलते मुझे जानकारी डोरी कल्पवट जगन्नाथ मंदिर से कल्पवट डोरी बंधा हो मानसिक कर हे प्रभु यहाँ मोर मानसिक रहा अर्थ मोर ये जगार किसी गोटे किंवदंती रहा मोर ये जगार किसी स्मरण रहा मन रहा मोर रहा मन मोर मु समर्पित हो मोर मानसिक न हो मात्र ये एमती किसी ना ये सीधा सड़क आम कही सीधा सड़क वृषभ कर्ण में जहाँ तुम्हें मानसिक कर निश्चित पूर्ण होब भी हम तुले मात्र संध्या आउ गोटे कथा होगा माघ सप्तमी की आम यज्ञ है विश्वशांति महाज्ञ सात दिन लगि रहा माघ मास शुक्लपक्ष सप्तमी में आरंभ है त्रयोदशी दिन पूर्णाहति है से समय भितर सात दिन काल सका राति भितर जिते भक्त आसती समस्त अन्न प्रसाद व्यवस्था बाबार आपण मैने आम मैने खाली थे आस कष्ट लगुच ये गोटे यज्ञ करवाक ये गोटे अधा स्वर्ग कहले चले ये विश्वनाथ मंदिर गोटे अधा स्वर्ग कहले चले ये जड़े जड़े लोक यही साधारण लोक भी पांच पांच थर किजा काठ दरकार ये भाया बड़ गच पांचटा दसटा गच दरकार ये यज्ञ हाँ कहीं आँच एटिकी क्रेन आसे एटिकी ट्रैक्टर गाड़ी कृपा रही लोक मैंने सब ईश्वर शक्ति गोटे से प्रदान करते मूल लगत पचे मजूरी लगत समस्त पारिश्रमिक नि बाबा समस्त दिखते कि शक्ति प्रदान कर नड़िया गच चढ़ा शिखी मत पांच पाँच दिले मुझे चढ़ीजी पांच हजार दिले भी चढ़ी पारि मत से अभिज्ञता नहीं मुझे विद्या शिखी कितु बाबार शक्ति जो तार यज्ञ जिते द्रव्य जिते अन्न जिते समित जिते प्रकार द्रव्य समस्त जिनस इटिक बुआ होती आस क्वेश्चन करी पूर्व पथर कहली जो बाटर हगिले ना देवल तोलें आम आसिले गोटे मन गोटे मंदिर मन गोटे मंदिर ये जो विश्वनाथ पहाड़े गोटे विश्वनाथ अच्छा सी गोटे मंदिर भितर अच्छे आम कि गोटे मनस्कामना करे बाबा को जड़े जेहेतु आसीजे ये आम तो किसी कर आसब पचास शहे टाँग दक्षिणा देद ठाकुर मेडिये कदमी नवा जाने समर्पण कर रोसे सरला आम तो आम तो डेली आसने दर्शन करूने कि डेली आम आहार विहार करे डेली आहार विहार कर डेली सबकि स्नान सब सब डेली करेतु आज आम आसीचे ये जगार किंवदंती है आम गोटे मंदिर गढ़ले अर्थ से जो पथर थुआई से पथर ना से गोटे मंदिर ये कैलास कपिलास हिमालय जिते जिते बड़ मंदिर अच्छे या उच्चता हो पारे अदिका कितु यही पहाड़ समस्त की जानवाहन सुविधा अच्छे ना से जो मंदिर पथर गढ़ा जाए समस्त गोटे स्मृति आम आसल ये गोटे स्मृति कर मंदिर तो आम पाखे कोटी टाँग ना गोटे कोटी टाँग दे मंदिर तैयारी आम गोटे मिनिट समय दे कि गोटे मंदिर तोड़ा गोटे स्मृति रखिकी जा स्मरण स्मृति तार सेमती किसी ना मात्र कहीं कहीं जो मैंने भक्ति अच्छे
ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଏଠିକି ଜଳ ଧାରିବା ପାଇଁ 15 ବର୍ଷ ତଳେ ମାତ୍ର ଆସୁଥିଲେ 7 ଜଣ, ମାତ୍ର ଆସୁଥିଲେ 7 ଜଣ, ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ସେଇଟା ପହଞ୍ଚିଲାଣି 500 ଜଣରେ, 7 ଜଣଟା ପହଞ୍ଚିଲାଣି 500 ଜଣରେ। ଆପଣମାନେ ଏଇଟା ଶିବ ପୁରାଣର କଥା ଗୋଟେ କହୁଛି, ଏକ ଦିନ ପାର୍ବତୀ କହିଲେ ଶିବଙ୍କୁ, କ'ଣ ଏତେ ଲୋକ ଏତେ ଭକ୍ତ ତୁମର, ଏତେ ତୁମର ତ କଣ୍ଠେ ଯଶ ଲସବତ କରାଳ ଗରଳ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ମସ୍ତକି, ଆପଣଙ୍କର ମଥାରେ ତ ଗଙ୍ଗା କଣ୍ଠରେ ତ ଗରଳ, ପୁଣି ଏତେ ଜଳ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଛି, କ'ଣ ଏତେ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଛି? ଇଏ କ'ଣ ସବୁ ଭକ୍ତ ନା ସବୁ ଭକ୍ତ ମୋର, ମୁଁ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା କରିବି, ମାଆଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବାବା ନୁହଁ କେବେ ହେଲେ, ମାଆ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କର ଆଳାପ ଆଲୋଚନା ଅଛି, ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଆଳାପ ଆଲୋଚନା ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କର ସମସ୍ତ ଆମେ ସିନା ସାଂସାରିକ ମତରେ, କିନ୍ତୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସମସ୍ତଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର କିଛି କିଛି ଅଛି। ଏକ ଦିନ ପାର୍ବତୀ କହିଲେ, ଆମେ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା କରିବି, ମୁଁ ତୁମକୁ, ତୁମର ଯେଉଁ ଏତେ ଲୋକ କହୁଛ, ଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭକ୍ତ? ବାବା କିଛି କହିଲେ, କିଛି ସମୟ ପରେ ନୀରବ ରହିଲା ପରେ କହିଲେ, ହଁ ସମସ୍ତେ ମୋ ଭକ୍ତ। ଆମର ରୁଦ୍ରାଷ୍ଟାଧ୍ୟାୟରେ 8ମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଅଛି, ଦୁଷ୍ଟ ଚମେ ଶିଷ୍ଟ ଚମେ ନଷ୍ଟ ଚମେ ବୃହ ଚମେ ଖିନ୍ତି ଚମେ ଅଗ୍ନିଶ୍ଚମେ ରୁଦ୍ର ଚମେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚମେ ସବୁ ତମେ। ଆଚ୍ଛା ତମେ ତ ସବୁ, ତାହେଲେ ଦେଖିବା ଆଜି ପରୀକ୍ଷା କରିବା। ବାବାଙ୍କୁ ଡାକି ନେଲେ ମା, ଗୋଟେ ପଥର, ଯେଉଁ ପଥରରେ ପଥିକ ମାନେ ଶ୍ରାବଣୀ ଜଳଧାରା ଆଣିକି ଆସନ୍ତି, ସେଠି ରୁଗ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଲେ ବାବା, ଭିକ୍ଷା ଭିକ୍ଷା ବୋଲି ମାଗିବା ପାଇଁ ରହିଲେ, ରୁଗ୍ଣ ଦମ୍ପତି ହେଇକି ରହିଲେ, ମହାଦେବ ହେଲେ ରୁଗ୍ଣ, ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ହିସାବରେ ରହିଛନ୍ତି ସାହା ଲୋଡ଼ୁଛନ୍ତି କାହାକୁ, ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ, ଏ ଟିକେ ପାଣି ଦିଅ ଟିକେ ପାଣି ଦିଅ ଟିକେ ପାଣି ଦିଅ, ଏ ଜଣେ ଲୋକ ରୁଗ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ପାଣି ଦିଅ। ଆପଣମାନେ ଭକ୍ତିରେ ଆସିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ମହାଦେବ ପାଇଁ ପାଣି ନେଉଛି, ମୁଁ ବାଟରେ କାହାକୁ ଛୁଇଁବିନି, ଏ ପାଣି କେଉଁଠି ମାରା ହେଇଯିବ, ଆଉ ଥୋଇବିନି, ଆଉ କେମିତି ଦେବି, କେହି ଦେଲେ ସବୁ ଚାଲିଲେ କ୍ରସ୍ କରିକି। କିଛି ସମୟ ଫାଙ୍କା ହେଲା ପରେ ପୁଣି ମା ପଚାରନ୍ତି, ବାବା ଏସବୁ କ'ଣ ଭକ୍ତ, ଏସବୁ କ'ଣ ଭକ୍ତ? ହଁ ସବୁ ଭକ୍ତ, ଇଏ ଜଳ କାହା ବି ଯାଉଛି, ସବୁ ମୋ ବି ଯାଉଛି, ତମକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି ତ କେହି? ନା ନାଇଁ, କଳିଯୁଗ ଅଛି, ଇଏ ହେଉଛି ସୂକ୍ଷ୍ମ କଥା, ଆଉ ସିଏ ଯେଉଁ ଯାଉଛନ୍ତି ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଅର୍ଥ ଶିବ ଗୋଟେ ଜଟା ଥିବ, ରୁଦ୍ରାକ ବିଧିଦେବେ, ଗୋଟେ ତ୍ରିଶୂଳ ଧରିଦେବେ, ଏବଂ ଗୋଟେ ଲିଙ୍ଗ ଥିବ, ସେଇଠିକି ସିଏ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆତ୍ମାରୂପୀ ଶିବକୁ ଚିହ୍ନାନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ଏଠି, ଯେ କି ଏଇଟା କାହା ମନରେ ଅଛି କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି, ସବୁ ଜାଗାରେ ଭୋଗ ଅଲଗା ଅଲଗା ଅଛି, ଏଠି ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଲେମ୍ବୁ ଭୋଗ ହେଉଛି, ଲେମ୍ବୁ ଭୋଗଟା କ'ଣ ପାଇଁ ହେଉଛି? କୌଣସି ଜାଗାରେ ମୁଁ ଦେଖିନି, କୌଣସି ଶୈବପୀଠରେ ମୁଁ ଦେଖିନି କି ଲେମ୍ବୁ ଭୋଗ ହେବା, ଲେମ୍ବୁ ଭୋଗର ଅର୍ଥ ହେଲା ସେଇଟା ହେଉଛି ପଞ୍ଚରସ କରାଯାଏ, 5ଟା ରସରେ ଗୋଟେ ଶକ୍ତିକି ଶୋଧନା କରାଯାଏ, କଦଳୀ କ୍ଷୀର ନବାତ ଲେମ୍ବୁ ମହୁ, 5ଟା ଦ୍ରବ୍ୟ ହେଲେ ପଞ୍ଚରସ କରାଯାଏ। ଆଜ୍ଞା, ଅବଶ୍ୟ ଅନେକ ଶୈବପୀଠ ଅଛି, ତୁଳସୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର, ବେଲପତ୍ର ଶିବଙ୍କର, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଗୋଟେ ଏମିତି ପୀଠ, ଇଏ ଜଣେ ଏମିତି ମହାଦେବ, ଏଠି ତୁଳସୀ ବି ଲାଗି କରାଯାଏ, ଏବଂ ଶାସ୍ତ୍ର ମତରେ କାହିଁକି ଶିବମଣି ତୁଳସୀ ଲାଗେନି, ଏବଂ ଯଦି ଆମେ ଲଗାଉଛୁ କେମିତି ଲଗାଉଛୁ, ତା'ର ବି ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ର ଅଛି ନା, ଆପଣ ଆଣିଛନ୍ତି କଷ୍ଟ କରିକି ଆମେ ଚଢ଼େଇ ଦେବୁ ମନଇଚ୍ଛା,
तुलसी त्वम जटाधारी सर्व क्लेश निवारिणी तांबूल लगा दीयते बारी सर्व कष्ट पाप निवारिणी कहीकि आम तुलसी लगुच अर्थ तुलसी शिव को लगे विधेय अच्छे ना आम मन इच्छा कर दूस ना ये मंत्रा आसला पुणी कौट बेलपत्र चढ़ाऊ मन इच्छा चढ़े दूस त्रिदल त्रिगुण आकार त्रिनेत्र त्रियायुधम त्रिजन्म पाप संहार बिल्वपत्र शिवार्पण कहले आम बेलपत्र चढ़ाऊ मंत्र अच्छे तुलसी चढ़ मंत्र अच्छे पंचरस जिते करूँ लेंबूटा जो आप पचारे लेंबूटा लगुच लेंबूटा लग सद्यो जात प्रवर्त्यामि सद्यो जाताय वै नमो नमः भवे भवे नाति भवे भवस्य मां भवत् भवाय नमः कालाय नमः कलविकरणाय नमः बलाय नमः बलविकरणाय नमः प्रमथनाय च नमः वामदेवाय नमः ज्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमः रुद्राय नमः वावा विश्वनाथ देवाय नमः भक्तर गोत्र एमिति मानस केते मानस अछन्ति किंतु समस्तंकर गोटे गोत्र अछि अमुक गोत्ररे गोटे अमुक मानस अछि तारी व्यक्ति तापर तार नाम गोत्र उच्चारण करके बाबा शक्ति शोधन करा जाए ब्रह्मा मुरारी सुरार्चित लिंगम निर्मल भाषित शोभित लिंगम जन्म ज दुख विनाशक लिंगम तत प्रणमामि सदा शिवलिंगम कहीकि टी लिंग से सब पंचरस बसीदे भक्त मानकर प्रति बाबा टी दया है भल ठीक अच्छे बहुत सूचना पाइल धन्यवाद बर्तमान आप देखिपे विश्वनाथ मुंडिया ये गोटे मंदिर छोटिया मंदिर टे अच्छी आ मंदिर देख रावण फटो जो मूर्ति तैयारी होते देखु रावण देखु के सुंदर हो सब मूर्ति तैयारी आल देखा ये बहुत गुड़ा देवादेवी अच्छा विषय भी आपने देखा जो मैंने आस गुहारी पढ़ती ये से गृह देखा जा सोलार सिस्टम देखते आप लगे सोलार सिस्टम करेन्ट भी किसी ये ना ये देखु ये पत्थरटा भाई कौन गुहारी पढ़ती गुहारी कर ठाकुर को दिन दिन धरी मानसिक पूरण सौर शक्ति सोलार द्वारा चलुच तेणु एटी तो बहुत उच्च जेहेतु 700 फुट उच्चतार रही मंदिर तेणु ये इलेक्ट्रिक व्यवस्था सोलार पैनल द्वारा करा जाए छी सब देखु प्रजापति पारा गुड़ के जो आम कह जो वायरलेस रोच वायरलेस रहा हूँ मेन पेंठस्थल यहाँ जे कि पूरी भुवनेश्वर को संजोग करने हूँ मेन पॉइंट ये तो ये घर ये बंद अच्छे बंद ना खोला आस खोला है तो ये दुटा घर से वायरलेस घर तो बर्तमान आप देखा तो आपण मान विदाय नवार समय आसी जाइए आमर तो आपण मान विदाय नौ बर्तमान मंदिर नवग्रह मंदिर देखते नवग्रह मूर्ति सब देखते आज बहुत सारा छोटे मूर्ति भी अच्छा मुझे देखे नवग्रह देखते मूर्ति तरह सैड्रे देखते आप देखे हनुमान मूर्ति देखे आपको देखते हनुमान मूर्ति आपमान देखिपे जो व्यूटा देखिपे पूरा अलग प्रकार एपटे आम अच्छु विश्वनाथ पहाड़ उपर देखु आगे आउ गोटे पहाड़ अच्छी मझे गोटे रास्ता जा खाली रास्ता मझे डिवाइडर नहीं तो एपट पहाड़ सेपट पहाड़ मझे आम जी जाते देखिपे पूरा अलग प्रकार पूरा ये परेशी आठ आसे आप एक्चुअली जी जगार इच्छा होनी
सुंदर परिवेश एटा प्रथम कहीलु बहुत कष्ट ये मंदिर बेड़ा पहुँचापी तथापि आम कष्ट करें पहुँचलु आपन को ये मंदिर विषय भी बहुत तथ्य देलु आपण भी आसतु एटी यार ये जो शांत मनोरम परिवेश मजा नियंतु आंग मान भी कहे ये आसपाई ठीक अच्छे जय जगन्नाथ रहिलु आडियोटी जी भल लगे आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे रोचु नमस्कार ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जदि मो भिडटी आपण मैं भल लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिंतु नोटिफिकेशन बटन को ऑन कर दिंतु ताद्वारा आपण मानक मोर नुआ नुआ भिड जी जीव तो पहुँच आप देखिपर जय जगन्नाथ।